साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। साथियों आज नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हो चुका है तो थोड़ा इग्नोर कीजिए। आज मैं बात करूंगा, अभी थोड़े टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, शायद आप लोगों ने, काफी सारे लोगों ने मुझे भेजा भी था, मतलब सेंड किया था, अखबार की भी न्यूज थी कि लोग रोमानिया में फंस गए। जी हाँ, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि ये पूरी बातें लोगों को समझ में नहीं आती कि रोमानिया में फंस गए। रोमानिया के लोग मुझे इसलिए सेंड कर रहे थे कि मैंने एक दो वीडियो रोमानिया से रिलेटेड डाले थे कि भाई काम आया हुआ है, आप चाहो तो वहां पे इंटरव्यू देके काम करवा सकते हो। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो रोमानिया में नहीं फंसे थे, वो ऑस्ट्रेलिया जाने के पर्पज से वहां पे फंस गए थे। अब हुआ क्या था मैं बता दूं, ये थोड़ा दूर का मेट्रो नहीं है, मेरे जस्ट पास का मेट्रो है ये, मेरे से मात्र 70-80 किलोमीटर दूर एक तहसील सिटी पड़ती है डिस्ट्रिक्ट चूरू में, सुजानगढ़ में। वहां के तीन बंदे थे, उनका चाचा पहले ऑस्ट्रेलिया रहता था, ठीक है। ये बातें मैंने पर्सनल, मेरे हिसाब से मैंने इंक्वायरी करी तब मुझे पता लगा, क्योंकि सोशल मीडिया में तो भाई झूठ ही चलता है, सच्चाई तो कम होती है, झूठ ज्यादा होता है। ये तय बात है कि वो लड़के फंस गए थे, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी जिसको पेश किया गया लोगों के द्वारा। एक्चुअली में हुआ क्या कि 8 से 7 महीने पहले उनके चाचा ने उन तीनों को ऑस्ट्रेलिया के लिए यहां से रवाना किया था, उनका चाचा ही एजेंट था। अब एक्चुअली में देखा जाए तो चाचा की गलती ये थी कि चाचा पहले ऑस्ट्रेलिया 6 साल रह चुका था, ठीक है, रिफ्यूजल में 6 साल रेगुलर रहा, फिर उसके टच में आया कोई पाकिस्तानी एजेंट, ठीक है। अब उसने उसको बड़े सपने दिखा दिए कि तू अच्छा पैसा कमा लेगा, एजेंट वहां बच्चे में सेट कर दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर से, एक तो उनका भतीजा था, 2 बंदे पड़ोस में मोहल्ले वालों को, 3 बंदों को उसने ऑस्ट्रेलिया के नाम से यहां भेज दिया। और वो बता रहे हैं कि 11-12 लाख रुपए पर कैंडिडेट लिए गए थे। ये मेट्रो है 7 महीने पुराना, जबकि ये मेट्रो उछला अभी, ये मेट्रो 7 महीने पुराना था। एक्चुअल में ये बंदे नहीं जा, इनको बोला ये गया था कि आपको ऑस्ट्रेलिया यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट कर देंगे। ये यहाँ से मतलब बड़ी मुश्किल से घूमते घूमते 7 महीने से ये घूम रहे थे, 3-4 कंट्री घूम चुके थे। सबसे पहले ये पहुंचे अजरबैजान, अजरबैजान में पहुंचे, मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था अजरबैजान से रिलेटेड, वहां 1 महीने रहे, ठीक है। वहां के बाद में वहां से निकल के ये पहुंचे, वहां से निकलने के बाद ये पहुंचे सर्बिया। अब सर्बिया आपको पता है भाई, सर्बिया तो कितनी बैंकर कंट्री है, वहां तो वैसे ही पहले से ही आतंकवादी बैठे हुए हैं। तो ये सर्बिया पहुंच गए, 2 महीने तक सर्बिया में रहे, तो वीजा था इनका, इलीगल तो होने ही थे, इलीगल हो गए। पासपोर्ट फिर अजरबैजान में पाकिस्तानी एजेंट मिल गया, तो पासपोर्ट उसने रख लिया, ठीक है। तो ये पहुंचे वहां पे कहां से बता दूं, अजरबैजान, अजरबैजान से पहुंचे सर्बिया, अजरबैजान 1 महीने, ठीक है, 2 महीने सर्बिया में रहे। उसके बाद में वहां से उनको इलीगल तरीके से बोला आपको जाना पड़ेगा, तो इनको आगे धक्के देके निकालने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, इनको अजरबैजान से जर्मनी पहुंचाने के लिए अरमानिया, रोमानिया से संबंधित इनको रोमानिया के रास्ते इनको ले जाया गया, ठीक है। तो आपको पता है, आप साथियों, जो इलीगल बंदे होते हैं वो कैसे जाएंगे, जंगलों से, जैसे पहाड़ों से, मतलब नदियों से, कैसे भी करके। मैंने एक वीडियो 6-7 महीने पहले भी डाला था कि जो यूरोप जाते हैं इलीगल तरीके से लोग ऐसा उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक वो आया था अमेरिका में, 150 के करीब इंडियन लोगों को डिपोर्ट किया गया था, वो भी सेम कंडीशन ऐसी थी, ठीक है। ये बंदे ऑस्ट्रेलिया जर्मनी पहुंचने के चक्कर में रोमानिया के जंगलों में फंस गए। वहां से उनको हंगरी बॉर्डर क्रॉस करना होता था ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए, ठीक है। उससे पहले रोमानिया में ये बंदे फंस गए, क्योंकि आगे इनके पास पैसा नहीं था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, 7 महीने के करीब इनको टाइम हो चुका था। रोमानिया में बर्फ खाकर ये बोलते हैं कि हम जिंदा रहे, एक एक डोज हमें देते थे पूरे दिन में, यानी स्थिति बड़ी बेकार थी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एजेंटों के द्वारा, आपको पता है, बंदूकों के बल पे रखना, मारने की धमकी देना, ये वो, आपको पता है भाई, अदर कंट्री में इलीगल बंदा, उसके पास पासपोर्ट नहीं, पैसा नहीं, और वहां के जो लोकल एजेंट होते हैं वो सीमा क्रॉस करवाने का काम करते हैं, ठीक है। वो तो फिर गुंडे लोग होते हैं, उनके पास परिवार और बंदूकें सब होती हैं, तो वो तो अपनी मर्जी से करेंगे फिर। तो इनको मतलब इतनी बुरी इनकी हालत हो गई कि सोच नहीं सकते। ये बंदे वहां से निकल के हंगरी, वहां पे बॉर्डर पे ये पुलिस के धक्के लग गए, तो पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। फिर इनका एक वीडियो उससे पहले वायरल हो गया था, सब लोगों ने पूछ गया। अभी ये बंदे घर पहुंच चुके हैं, शॉर्ट में बता दूं, ये बंदे घर आ चुके हैं, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। लोगों ने फूलमालाएं पहना के इनका स्वागत किया है। मेन बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये आपके साथ भी हो सकता है। मेरा मेन पर्पज ये है कि बच लो, जितना बचना चाहो बच लो, क्योंकि ये जो इनडायरेक्टली आप बंदे, आप मोटा पैसा देके बड़े पैसे ख्वाब आप लेते हो ना, तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप भी इनके चक्रों में नहीं, अब बंदे रोमानिया फंस गए, हंगरी फंस गए, मेन चीज ये है ना कि यहां से इनका तरीका ही गलत था जाने का,
समझ रहे हो, तो इस चीज का आपकी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, तो आप भी इस बात से सचेत रहें। बहुत सारे लोग मेरे पास तो कॉल ही सिर्फ यूरोप कंट्री की आते हैं भाई, गलत का तो कोई कॉल ही नहीं आता, तो ऐसे लोग मेरे पास कॉल करते रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा गौर कर लीजिए, आपके साथ भी ये हो सकता है। मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था 6-7 महीने पहले किस तरीके से इलीगल बॉर्डर क्रॉस करवाने की जुगत में लोग मर भी जाते हैं। अगर ये बंदे मर भी जाते हैं तो इनकी लाश भी घर पे नहीं पहुंचती, ये बात तय बात है। कुछ नहीं, पासपोर्ट नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, तो क्या है? ये तो बंदे पढ़े लिखे लिए कैसे भी तरीके से इंडिया से भी इनका प्रेशर लगा है, ठीक है। इनके गांव का मंत्री है, तो मंत्री के द्वारा कोशिश करना, सांसद है हमारे राहुल जी कसवाजी, उन्होंने उनके प्रयास मतलब बहुत सारी कोशिश करने के बाद ये बंदे घर पहुंच चुके हैं। तो अभी आपके साथ अगर यूरोप कंट्री का आप जा रहे हैं तो लीगल तरीके से जाएं, जान पहचान करके जाएं, या फिर लीगल अथोराइज एजेंसी के थ्रू ही जाने की कोशिश करें। आज का वीडियो मैंने सिर्फ आपको मोटिवेशन देने के लिए बनाया, ताकि आपके साथ भी अगर ऐसा हो तो आप बच सके, ठीक है। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।